आज हम सीखेंगे रूट्स टचअप किसे कहते हैं और ग्रे बालों को डाई करने का प्रॉपर तरीका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत दे, आमीन। एक दफ़ा फिर मैं ऑन ड्यूटी आप लोगों के साथ। रूट्स कर रही थी, बार बार रूट्स टचअप आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये देखिए मैं एक और क्लाइंट के रूट्स टचअप करने वाली हूं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ग्रे हेयर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी कवरेज हमें हर 15 दिन बाद करनी पड़ती है, तो चलें फिर इनकी सर्विस करते हैं स्टार्ट और साथ ही हमारी गपशप रहेगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें पहले। ग्रे कवरेज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेस्टन कंपनी का ये नंबर डार्क चेस्टनट, जिसको अरबिक में कस्तनाई गामिक भी कहते हैं। 20 वाले में मैंने किया है इसको मिक्स। अब हम इसको करते हैं अप्लाई। सबसे पहले करेंगे हम इनके बालों की पार्टीशन। फ्रंट के 2 पार्ट कर देंगे अलग, फ्रंट की कर लेंगे आप लोग 2 पार्टीशन, और बैक के सारे बालों को आपने पकड़ लेना एक हाथ से बैलेंस करके, और इस पर कोई कैचर नहीं अप्लाई करना। और दूसरी बात, अगर आपके रूट्स 15 दिन के हैं या 1 महीने की, आप इसी तरह ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये बैक के बालों पे कैचर ना लगाने का रीज़न ये है कि हमने थोड़ा स्पीड से हाथ चलाना है, कैचर बार बार उतारने और लगाने की वजह से टाइम लग जाता है। आप पतली पतली पार्टीशन लें और रूट्स कवर करने शुरू कर दें। मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि रूट्स पे कलर काफ़ी स्पीड से आता है और उसकी वजह है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। अक्सर क्लाइंट ऐसी आती हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि रूट्स टचअप किया है, और वो मुझे इतनी मासूम लग रही होती हैं जो 2-2, 3-3 महीने अपने ग्रे बाल कवर नहीं करती हैं, और जब कलर कराने आती हैं तो कहती हैं कि फुल डाई कराना है। तो उनको कई दफ़ा समझाया है कि फुल बार बार बाल डाई करने से आपके बाल डैमेज ही होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप 15 दिन बाद 1 महीने बाद रूट्स कवरेज ले लिया करें। उनको इतना समझाना पड़ता है और तब भी उनको यकीन नहीं आता। जब मैं उनको बिठा के उनके रूट्स टचअप करके उनको दिखाती हूँ, बहुत हैरान होती हैं कि ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, सिर्फ रूट्स टचअप करो और बाकी बालों को डैमेज होने से बचाओ। ऐसे ही आप देखिए पतली पतली लेयर लें और 15 दिन बाद अपने रूट्स कवर करें। एक दूसरे की हेल्प करें, सास बहू, नंद भाभी, फ्रेंड्स, आपस में एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के रूट्स टचअप करें। जो डाई आपने करवाया हुआ है वो नंबर लेके आप पार्टीशन करके इसी तरीके से करें। अब देखिए हम एंड में पहुंच गए हैं और हमने साइड टू साइड, पहले हमने साइड करनी है, मैं आपको ये बात बता दूं, हमने फ्रंट पहले नहीं करना। इस पॉइंट को नोट करते हुए कि हमने पहले साइडें ही अच्छे से कवर करनी है, दोनों साइडों को अच्छे से कवर कर लेना है। लास्ट पार्टीशन पे हम पहुंच गए हैं खैर से। फिर वही बात कि सर पे यहाँ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है, इसलिए कलर यहाँ पे बहुत तेज़ी से आता है। ये पोर्शन लास्ट में ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप इसी तरीके से ही मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं बालों में। ग्रे बालों को कवर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फुल बालों को ही कवर करें, आप कलर चाहे कोई सा भी अप्लाई करें, आप उतने रूट्स लगाएं जितने आपके ग्रे आ चुके हैं। और ये तरीका जेंट्स और लेडीज़ दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। अब हम इसको छोड़ देंगे वेटिंग पे, 15 से 20 मिनट बाद करूँगी मैं इसको चेक, जब तक मैं करती हूँ अपनी दूसरी क्लाइंट को फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह कलर हो गया हमारा डन। अब हम करेंगे इनका हेयर वॉश। और साथ ही आप लोगों को ये बताती चलूँ, डार्क चेस्टनट एक ऐसा कलर है, चाहे आप किसी भी कंपनी और ब्रांड का ले लें, ये ग्रे कवरेज के लिए बेस्ट शेड है। रिजल्ट आप लोगों के सामने, एक खूबसूरत शेड के साथ हमने कर लिए सारे ग्रे बाल कवर। रूट्स टचअप करते ही फीलिंग आती है फुल हेयर डाई जैसी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गई हैं जी, बहुत हैप्पी, और इनकी तरफ से मिला है मुझे सीधा सीधा थम्स अप। अब देखते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। हो सके तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।